किबु विकुना के पास फायदा एक जरूर है कि वो एटीके के बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन चिंता इस बात का है केरला ब्लास्टर्स के कोच का कि उनकी टीम लगभग नई है। फिलहाल बार्कले कोने फ्रेंच लीग का खिलाड़ी जबरदस्त। हावी का कोना, देखना होगा क्या मौका था। रॉय कृष्णा से ऐसे मिस की उम्मीद नहीं की जाती है। रॉय कृष्णा निराश जरूर होंगे, कनेक्ट नहीं कर पाए वॉली को। बहुत ही अच्छा मौका बन गया था रॉय कृष्णा के लिए, हालांकि खाली थे, मौका भी था, शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसे खाली बॉल मिलेगी। हमेशा कई बार हमने देखा फायदा होता है, आप खेल देखते हैं, खेल की तेजी को समझते हैं, रणनीति समझते हैं। और एक बार फिर यहाँ पर काउंटर होता हुआ, एक अच्छा शॉट यहाँ रॉय कृष्णा, और रॉय कृष्णा के पांव पर जब गेंद होती है तो खतरा हमेशा इर्द गिर्द ही होता है। सवाल ये उठता है कि डेविड विलियम्स किसकी जगह यहां पर आएंगे, हालांकि एडू गार्सिया ज्यादा असर नहीं छोड़ पाए अभी तक, डिफेंसिव भूमिका में ज्यादा दिखे। जैसल के पास ही गेंद तेजी से अंदर जाते हुए, कोई कवर करने वाला नहीं अभी तक, खतरनाक बॉल। एक मौका यहां पर ऋत्विक के पास, लेकिन यहां पर मिस है। जिस तरीके से मौका यहां पर आया था, माफ कीजिएगा, सहल के पास, बहुत ही बेहतरीन मौका, लेकिन यहां पर एक अटैक बनता हुआ एटी के मोहन बगान के लिए। शानदार गेंद यहां पर, लेकिन पहुंच नहीं पाई, लेकिन रॉय कृष्णा, क्या गोल होगा, और इसी के साथ पहला गोल। 67वें मिनट पर रॉय कृष्णा का शानदार गोल और एटी के मोहन बगान को मिली बढ़त। अगले चंद सेकंड में जीत उनके नाम दर्ज होगी, और इसी के साथ रेफरी क्रिस्टन जॉल की आखिरी सीटी इस मैच की, और यह मैच एटी के मोहन बगान के नाम।